साथियों, आज भारत के हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसकी भी चर्चा उतनी नहीं होती। डॉक्टर त्रेहान यहाँ बैठे हैं, आप लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना के विषय में कभी न कभी सुना है, कभी जाना भी होगा। लेकिन आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में, ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो, इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। कुछ लोगों की परेशानी ये सारी योजना मंदिर में अटक जाएगी, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अब आप फिर कहेंगे कि मोदी जी ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहां से लेकर आ गए? ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन ये काम हेडलाइन नहीं बनता है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं। हम डिजिटल रिवॉल्यूशन यूपीआई में दिखता है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। अगर आपको सुविधा हो, ई संजीवनी ऐप के माध्यम से ही अभी तक देशवासी 24 करोड़ कंसल्टेशन घर बैठे ले चुके हैं, 24 करोड़। देश के गांव में हो रही इस हेल्थ क्रांति की चर्चा भी आज उतनी ही जरूरी है।